हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उज़मा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है बढ़न। कहीं पर इसको कटहल भी बोला जाता है। तो आइए मैं इसकी आपको सब्ज़ी बना के बताऊँगी मैं किस तरह से सब्ज़ी बनाती हूँ। तो ज़्यादा इसमें मटेरियल हमें नहीं लेना है, बस हमने जो ये मसाले लिए हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। तो ये मैंने एक चम्मच ली है मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और दो चम्मच से कुछ ज़्यादा मैंने इसमें लिया है धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा। तो बस इसी इन्हीं चीज़ों से हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बढ़ल की। फ्रेंड्स, यहाँ ले लिया है मैंने एक बड़ा प्याज, लहसुन जिसको मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बड़ा चम्मच लिया है मैंने ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था लहसुन प्याज का, तो ये हम इसमें ऐड करने वाले हैं सबसे पहले। तो ये देखिए, इसको करने के बाद हम जो हमारा मतलब तो कुछ देर हम इसको भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, हमने ज़्यादा इसमें मसाले भी नहीं ऐड किए जो हमने आपको बताया है, भाई इतने उसमें ही ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी रेडी होगी। तो देखिए भुन गया है, तो उसके बाद हम जो ये हमारे स्पाइसेस हैं ये हम इसमें डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से भूनेंगे, कम से कम 10 मिनट हम इसको अच्छी तरह से पहले भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड करेंगे इसमें। फ्रेंड्स, ये जो मैंने 250 ग्राम लिया था ये बढ़ल, तो इसको मैंने अच्छी तरह से पहले ऑयल लगाया था अपने हाथों पर और मतलब नाइफ पर, उसके बाद हमने इसको काट लिया था इन इतने इतने टुकड़ों में, और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश किया है। तो देखिए, इसको हम जैसे ही भूनने लगा है तो अभी हम इसे और अच्छी तरह से भूनेंगे। तो देखिए माशाल्लाह ग्रेवी रेडी है। तो देखिए ऑयल हो गया है सेपरेट, तो अब हम इसमें डालेंगे ये अपनी सब्जी बढ़ल। इसके माशाल्लाह बीज भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए, अब पानी आप इसको इतना डालें ताकि बस ये, अगर आपको पानी की कमी लगे कि हाँ पानी थोड़ा, तो थोड़े से ही पानी इसमें डलेगा, और अगर आपकी ग्रेवी इतनी है तो आप उसी में इसको अच्छी तरह से मतलब एक दो विसल लगाकर ये रेडी हो जाएगी। तो कम से कम दो हम इसमें विसल लगा लेंगे, दो या तीन विसल लगाने से पहले हम इसको भी ग्रेवी में अच्छी तरह से भून लेंगे पहले, क्योंकि इसका भी जो कच्चापन होगा हमारी सब्ज़ी का वो निकल जाएगा, उसके बाद ही हम इसका पिसर लगाएंगे।
तो देखिए हम कम से कम 5 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से हमने इसको भून लिया है, आप देख सकते हैं। तो हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी और इसे विसल लगाने के लिए कम से कम 3 विसल लगा लेंगे हम इसमें, ताकि अच्छी तरह से गल जाए।